हार्दिक पांड्या की कप्तानी में एशिया कप चैंपियन को ढेर करने उतरेगी टीम इंडिया। टीम इंडिया नए साल की शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के साथ करेगी, जिसका पहला मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेला जाएगा। भारतीय टीम पहला मैच खेलने उतरेगी तो सभी की निगाहें हार्दिक पांड्या पर होंगी, जो T20 टीम के पूर्णकालिक कप्तान के तौर पर अपनी पारी की दमदार शुरुआत कर मिशन 2024 की मजबूत नींव रखने की कोशिश करेंगे। भारतीय प्रशंसक हार्दिक की कप्तानी की झलक पहले ही देख चुके हैं, जब उनके नेतृत्व में टीम ने न्यूजीलैंड में T20 सीरीज जीती थी। इस साल वनडे विश्व कप मैच खेला जाना है और फिलहाल T20 भारतीय टीम के लिए प्राथमिकता नहीं है, लेकिन इससे हार्दिक को 2024 में होने वाले T20 विश्व कप के लिए अपनी रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। भारत के शीर्ष तीन बल्लेबाज रोहित शर्मा, विराट कोहली और KL राहुल टीम का हिस्सा नहीं है और उनके T20 में भविष्य को ध्यान में न रखते हुए भी टीम को उनके बिना आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। हाल के समय में भारतीय टीम की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि वे निडर क्रिकेट नहीं खेल पाए। भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज खुलकर खेलने में नाकाम रहे, जिसका खामियाजा टीम को T20 विश्व कप में भुगतना पड़ा। अगर टीम संयोजन की बात करें तो पिछले सप्ताह कार दुर्घटना में घायल होने वाले ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड में ईशान किशन के साथ पारी का आगाज किया था। पंत को हालांकि श्रीलंका के विरुद्ध सीरीज के लिए टीम में नहीं चुना गया था, जिससे पूरी संभावना है कि पहले मैच में किशन के साथ ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करेंगे। अब तक T20 अंतर्राष्ट्रीय में पदार्पण नहीं कर पाने वाले शुभमन गिल सलामी बल्लेबाज के रूप में हार्दिक के पास एक और विकल्प है। तीसरे नंबर पर विश्व के नंबर एक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव पर कप्तान भरोसा जता सकते हैं। हार्दिक 6 गेंदबाजों को रखने के पक्ष में है, जिससे दीपक हुड्डा को मौका मिल सकता है। टीम प्रबंधन को मध्यक्रम में संजू सैमसन और राहुल त्रिपाठी में से किसी एक को चुनना होगा। त्रिपाठी पिछले कुछ समय से अंतिम एकादश में जगह नहीं बना पाए हैं और श्रीलंका के खिलाफ भी उन्हें बाहर ही रहना पड़ सकता है, क्योंकि सैमसन को उनके अनुभव के आधार पर प्राथमिकता मिल सकती है। टीम में भले ही शिवम मावी और मुकेश कुमार को शामिल किया गया है, लेकिन तेज गेंदबाज आक्रमण में हर्षदीप सिंह, हर्षल पटेल और उमरान मलिक को ही चुने जाने की संभावना है। भारत के पास वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल के रूप में ऑलराउंडर के विकल्प मौजूद हैं। यजुवेंद्र सिंह चहल को मौका मिलने की संभावना है। मौजूदा एशिया कप चैंपियन श्रीलंका भारत को उसकी धरती पर कड़ी चुनौती देने की कोशिश करेगा। श्रीलंका ने लंका प्रीमियर लीग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अविष्का फर्नांडो, चमका करुणारत्ने और सदीरा समरविक्रता को टीम में रखा है। फर्नांडो और करुणारत्ने ने टीम में वापसी की है और वे अपना प्रभाव छोड़ने के लिए बेताब होंगे। श्रीलंका को मध्यक्रम में भानुका राजपक्षे से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी।